नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं ये शायद उनको भी नहीं पता है, और बाकी जितने भी स्टेटों में मुख्यमंत्री इस समय पदस्थ हैं उन सभी को डर लगा हुआ है कि उनकी कुर्सी कितने दिन के लिए है। फिलहाल अभी जो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तीनों जगह नए चेहरों को लाया गया है। उन तीनों मुख्यमंत्रियों को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कुर्सी चली जाए और फिर से किसी और को मुख्यमंत्री का पद ये कुर्सी दे दी जाए, क्योंकि बीजेपी का कुछ भरोसा नहीं है। कब कौन सा क्या दिमाग में आ जाए, पीएम मोदी के दिमाग में क्या आ जाए, अमित शाह को क्या ऐसा लगे कि वो सब कुछ अदला बदली कर दे, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में नए चेहरे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के कार्यकाल को खत्म कर दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को साइड लगा दिया गया, कि जो लाडली बहनें हैं वो पेट पकड़ पकड़ के शिवराज सिंह का रो रही हैं कि अब हम क्या करेंगे भैया, हमने तो आपको चुना है। बैठ, बैठ। आप चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक एक बहन के चाहते हो, हमने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। ऐसी सिचुएशन में जबकि शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की वजह से सरकार बनी है, ये मध्य प्रदेश में सरकार जीती है, जब उनको बीजेपी हटा सकती है और शिवराज सिंह कह भी चुके हैं कि मर जाऊंगा लेकिन कोई पद नहीं मांगूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये सारी बातें वो बोल भी चुके हैं, दिल्ली आने को तैयार नहीं है वो। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा को डर लगा हुआ है कि अगला जब चुनाव होगा विधानसभा का उनके साथ क्या होने वाला है। काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। हालांकि यूपी में बाबा के अलावा कोई इतना संभाल नहीं पाएगा जिस तरीके से बाबा सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जैसा सरकार चलाना अभी तक कोई बीजेपी में ऐसा चेहरा नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि उनकी उनका स्थान ले पाए। लेकिन बात करते हैं मोहन यादव की। मोहन यादव मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि बीजेपी ने जो भी गुणा भाग लगाया है यूपी और बिहार लोकसभा साधने का, यूपी और बिहार में यादव बहुल्य मात्रा में हैं, और जैसा कि बिहार में जातिगत जनगणना में सामने भी आ चुका है कि ओबीसी का क्या स्टेटस है, कौन कितने परसेंट है, तो इन सब वजह से चुनाव को साधने के चक्कर में बीजेपी ने ये सारा खेला किया है। यूपी और बिहार के यादवों का वोट बैंक हथियाने के चक्कर में ये खेल किया है। वहीं मध्य प्रदेश में जो यादव समुदाय है वो अल्पमत में है, बहुत ज्यादा यादव नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश में बीजेपी का कार्यकाल इतने सालों से रह चुका है, इतने साल हो गए हैं, वहां के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हों या बड़े बड़े सीनियर नेता हों वो कहीं ज्यादा सीनियर और तजुर्बेकार हैं, तो मोहन यादव की चलने वाली नहीं है। और आगे आने वाले समय में ये सारी जो योजनाएं हैं धरी की धरी रह जाएंगी, लाडली बहना योजना, ये सब चीजें वो मोहन यादव बंद करने वाले हैं। आप देखने वाली बात है कि मोहन यादव ये एक साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं या ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत असंभव है कि मोहन यादव सरवाइव कर पाएं। मोहन यादव एक तो यादव समुदाय से आते हैं, यादवों की संख्या नाम मात्र की है, वो कहाँ चलने देंगे मोहन यादव की, नई ऊंचाइयों तक प्रदेश को ले जाना तो दूर की बात है, अपना कार्यकाल पूरा कर पाए यही बहुत बड़ी बात है। अब जब बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी उस समय ये बिहार और यूपी खासकर, क्योंकि मोहन यादव की ससुराल यूपी में है, तो हो सकता है कि इन सब चीजों की वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है कि वोट बैंक खींचेंगे यादवों का, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब वो जातीय समीकरण ये विधानसभा चुनाव में बैठता है, लोकसभा के चुनाव में एक तरफा प्रधानमंत्री चुनता है, जो भी जनता है वो प्रधानमंत्री पद के लिए वोट करती है, तो इसलिए देखने वाली बात है कि मोदी जी क्या चाल चलते हैं आगे आने वाले समय में। और दोस्तों एक चीज बता दूं, सीएम शिवराज सिंह कहीं ना कहीं
डरे हुए हैं, घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूंगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता सिवाय अरे मैं नहीं बना रूं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया, काय का अन्याय हो गया। पांच बार विधायक बन चुके हैं, पांचवी बार विधायक बनने के बाद, जैसे कि चार बार सीएम भी रह चुके हैं, पांचवी बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो चुप बैठने वाले नहीं है चुप बैठने वालों में से। लेकिन कुछ ऐसा भी पेच फंसा हो सकता है जिसकी वजह से शायद वो चुप है, हो सकता है उनको ईडी की धमकी दी गई हो सकता है उनके कुछ ऐसी कमजोर नसें है ना पकड़ ली गई हो, जिसकी वजह से उनको चुप करा दिया गया है। और आप लोगों को शायद याद होगा बाबूलाल गौड़ को, 2003 की है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। उस सरकार में उमा भारती की बदौलत बीजेपी सरकार बना पाई थी और उमा भारती की बदौलत ही तमाम पूरे मध्य प्रदेश में एक लहर सी चली और बीजेपी चुनाव जीत गई थी। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, एक साल तक मुख्यमंत्री रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक साल बाद यानी कि 2004 में 10 साल पुराना केस उनके सामने आ गया। हुआ ये था कि सन 1994 में कर्नाटक के हुबली शहर में उमा भारती के ऊपर एक आरोप लगा था कि उन्होंने सांप्रदायिक तनाव भड़काया था और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के खिलाफ उन पर एक केस दर्ज हुआ था। उसी केस के तहत उनके खिलाफ वारंट इशू हुआ था 2004 में, तब उनको अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। और तभी उमा भारती ने अपने सबसे करीबी और सीनियर नेता उस समय के बाबूलाल गौड़ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। साथ ही साथ उनको बताया जाता है कि गंगा जल देकर सौगंध भी दिया था कि जब मैं वापस आऊं तो ये कुर्सी मुझे सौंप देना। बाबूलाल गौड़ भी मान गए थे कि ठीक है, जब आप आएंगी देखा जाएगा। बाबूलाल गौड़ को पता था कि उमा भारती वापस कहाँ आने वाली हैं, जेल से कोई कितने साल बाद आएगा, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में तुरंत ही जब उमा भारती वापस आई, उन्होंने अपनी कुर्सी मांगी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा बाबूलाल गौड़ से। बाबूलाल गौड़ तुरंत ही नकार दिया, मना कर दिया कि अब वो ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों इसी कड़ी में अगला जो वीडियो आएगा ना वो बाबूलाल गौड़ के ऊपर आएगा कि कैसे एक वारंट ने एक साधारण से आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। देखिएगा जरूर इस वीडियो को। बाद में फिर शिवराज सिंह चौहान को लाया गया, शिवराज सिंह चौहान बने थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह से खींचतान करके, और तब से लेके अब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। 2 साल वो छोड़ दीजिए जो कमलनाथ रहे हैं 2018 से 20 तक। तो उस समय बाबूलाल गौड़ भी यादव संप्रदाय से आते हैं, उनको सिर्फ मात्र एक चिट्ठी एक लेटर की वजह से बीजेपी ने हटा दिया था। इतने सीनियर लीडर को बीजेपी ने ऐसे एक झटके में ही साइड कर दिया था। तो ये अभी मोहन यादव का तो पता ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए। और ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल फाइंडोस पर, चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट अवश्य करें। नमस्कार।